नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने दो युवकों को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि मामा भांजे हैं दोनों युवक और इन्हें गोली मारी गई है, जिसके बाद SKMCH में इलाज चल रहा है। पैर में गोली लगी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। सोचना हमको यही मिला था कि मेला में से हम आए 10 बजे आए। अच्छा, थकाई हो गया था, थक गया था घूमते घूमते बैच लेके। हम कहें भाई थोड़ा खाना उना खा लेते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे आधा घंटा पौन घंटा तो हम चले जाएंगे। और खाना खाने के बाद हमको नींद आ गया तो कुछ टाइम हो गया लेट, 2 बज गया था, 2 नहीं पूरा बजा था, 1:45 हो रहा था। जितने में हमको नींद खोला तो छोटा बच्चा को पकड़े थे, उसको खिला रहे थे। जितने में हमको बहू के कोई फ़ोन कर दिया पुतोह का कि उनको राकेश कुमार को गोली लग गया है। तो जितने में हम अंदर बियर पर थे, मेला में गए, मोबाइल नहीं था, मोबाइल है रिचार्ज नहीं था तो किससे हम फ़ोन करूं। ऐसे हम अंदर बियर पर गए मेला में लोग देखे बहुत व्यस्त रहे कि भाई ये अंदर बियर पर घूम रहे हैं। हम भला बुरा आदमी को कहें कि भाई गोली लग गया है तो उसको पहले मेडिकल पहुंचाइए, आगे पीछे देखा जाएगा। यही बात है, वो लोग रख के यहाँ भर्ती कर दिए। हम लगभग आधा घंटा बाद यहाँ हम पहुंच पाए। वहाँ गोली लगा, ये घटना हुआ वहाँ 1:45 में, यहाँ लेके आए 2 बजे। वो गोली मारा है पंकज सहनी। पंकज सहनी जी, वो भी पैदल था। जी, वो विवाद, अब देखिए ना, विवाद नहीं रहेगा तो गोली मारेगा कैसे। अगर आप हैं हमारे साथ, आपसे विवाद होगा तभी ना हम झा पर चलेंगे। गोली लगा है, क्या लगता है आपको? वो गोली लगा है, वो हमारा नाती होगा। नाती है जी, आई ये लड़का है। क्या क्या नाम है उनका? इनका राकेश कुमार। करते हैं यही बम्बई में जाके मजदूरी। क्या नाम है? नारायण सहनी। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा ये ईंटा उटा जोड़ लेते हैं, मिस्त्री जी है। जी, तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है मीनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, पुलिस जांच में जुट गई है, हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। आपसी विवाद हो या जो भी अन्य बिंदु है उस पर पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है कई सवाल उठाती है, क्योंकि मामा और भांजे को गोली मारी गई, दो युवकों को गोली मारी गई है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।